नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, और यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं ये जो कमेंट किया हुआ है कि सर हेडर मेरा ब्रेक पेज में नहीं आ रहा है। यहाँ मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 का पार्ट 3 डिटेल में सीखें। इस वीडियो को देखने के बाद किसी सज्जन ने कमेंट किया कि हेडर दे रहे हैं लेकिन पेज जब ब्रेक करें तो हेडर नहीं आ रहा। तो जिन्होंने भी ये कमेंट किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया। और आपका प्रॉब्लम है कि आप जब हेडर देते हैं पेज में और ब्रेक करते हैं, पेज ब्रेक करते हैं तो हेडर नहीं आता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे हेडर के साथ आप पेज ब्रेक करेंगे, वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो आप किसी में भी कर सकते हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 हो, 10 हो, 13 हो, सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए। तो फिलहाल मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 का यूज़ कर रहा हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है, हमें एक डॉक्यूमेंट लेते हैं, जैसे यहाँ पे ऑफिस बटन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑफिस बटन पे और यहाँ न्यू में क्लिक करेंगे और यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो नॉर्मल सा इस तरह का एक नया डॉक्यूमेंट आ जाता है। अब रहा सवाल, यहाँ पे कुछ भी आप टेक्स्ट आप पहले से लिख रखे हैं या टेक्स्ट आप बाद में लिखते हैं, पर हेडर देने का तरीका सिंपल है। तो नॉर्मल सा मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये देखिए मैं टेक्स्ट लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक हेडर आए, ऊपर में हेडर आए। तो हेडर देने के लिए क्या करेंगे, सिंपल है। आप यहाँ पे ये अलग अलग जो टैब्स आपको ऊपर दिख रहे हैं, यहाँ पे इंसर्ट टैब में क्लिक करना होगा। इंसर्ट टैब पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे आपको अलग अलग ग्रुप्स दिखाई देगा रिबन के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं हेडर एंड फुटर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हेडर फुटर है, तो हेडर के ठीक नीचे एक छोटा सा आपको नीचे पॉइंट करता हुआ एक आपको छोटा सा रेक्टेंगल डाउन बटन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे बिल्ट इन इस तरह बहुत सारे बने बनाए आपको फॉर्मेट दिए हुए हैं हेडर के लिए। तो नॉर्मली हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं, बहुत सारे हैं जो आपको अच्छा लगे चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग अल्फ़ाबेट वाला डिज़ाइन चूज़ कर रहे हैं, टाइप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन बता रहा है, टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, जो जिस नाम से हेडर देना है आपको। तो यहाँ पे मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, जैसे GAUTAM गौतम, KUMAR कुमार दे दिया। अब यहाँ पे वो हेडर टाइटल के बॉक्स में यहाँ पे हेडर आ चुका है। अब यहाँ पे ऊपर देखिएगा डिज़ाइन वाला टैब ऑन रहेगा और टैब, उसके बाद यहाँ पे एक बटन दिया हुआ क्लोज़ का, इसको आपको क्लोज़ करना होगा तभी हेडर ये यूटिलाइज होगा, आएगा यहाँ पे। अब इसको क्लोज़ कर देते हैं, ये क्लोज़ कर दिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे पेज पे ठीक यहाँ पे देखिए गौतम कुमार नाम से हेडर आ चुका है। अब हेडर देने से फ़ायदा ये है कि बार बार आपको ये नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, जितने भी पेज आप लेते जाएंगे ब्रेक करते जाएंगे ऑटोमेटिकली ये नाम यहाँ पर आता जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब कर्सर को मैं यहाँ पर थैंक्स फॉर वॉचिंग लिखा ठीक इसके पीछे मैं कर्सर रख देता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कर्सर आप स्टार्टिंग में रखेंगे तो जैसे पेज ब्रेक करेंगे तो ये टेक्स्ट पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा दूसरे पेज में। तो कर्सर मैं देखिए यहाँ पे नीचे रखा है, या मैं इसको इंटर कर देता हूँ, नीचे यहाँ पे ब्लैंक जगह पे रख दिया। अब मैं ब्रेक करूँगा पेज को, तो पेज को ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए पेजेस का ग्रुप आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इंसर्ट टैब के ठीक यहाँ पर। अब यहाँ पर पेज ब्रेक मैं करता हूँ, अब देखिए जैसे ही पेज ब्रेक करूँगा ये हेडर दूसरे पेज में भी आ जाएगा। ये देखिए पेज ब्रेक पे क्लिक किया, देख सकते हैं। अब देखिए ऊपर वाला थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, देखिए पहला वाला जो पेज था थैंक्स फॉर वॉचिंग यहाँ पे लिखा हुआ था, देखिए ये आपका हेडर दिख रहा है। अब मैं पेज को स्क्रॉल करता हूँ, थोड़ा नीचे जाता हूँ, ये देखिए ये मैं दूसरा पेज है, देख सकते हैं यहाँ पर देखिए गौतम कुमार लिखा हुआ है। यहाँ पे दूसरा पेज यहाँ पे देख सकते हैं पेज ब्रेक में, जैसे मैं हेडर पुट किया पेज ब्रेक किया तो देखिए हेडर मेरे दूसरे पेज में भी आ गया। अब हम लोग तीसरा देखिए, अब दो ही पेज है, पेज टू ऑफ टू दिखाई दे रहा है। अब हमें तीसरा पेज अगर लेना है ब्रेक करना है तो सिंपली आप उसी तरह इंसर्ट में जाइए, यहाँ पे पेज ब्रेक पे क्लिक कर दीजिए। अब तीसरा पेज आ गया, ये देखिए मेरा तीसरा पेज है, देख सकते हैं, फिर से देख लीजिए, ये देखिए ये आपका मेरा पहला पेज है, इसमें हेडर दिख रहा है थैंक्स फॉर वॉचिंग लिखा हुआ था। ये देखिए मेरा दूसरा पेज है, ये देखिए मेरा तीसरा पेज है, ये देखिए तीसरा पेज है। तो इस तरह आपको कुछ नहीं, जैसे यहाँ पे लिखना है बाय का लिख देता हूँ, बाय लिख दिया तो बाय, फिर लिखा है बाय, सी यू,
यू लिख दिया, सी यू लिखा। ये तीसरे पेज में मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, चौथा पेज में भी आपको दिखाता हूँ हेडर आ जाएगा। होम में जाके थोड़ा सा इसका फॉन्ट का साइज बड़ा कर देता हूँ, कलर चेंज कर दिया। यहाँ पे देखिए बाय बाय लिखा हुआ है, थर्ड पेज में है हम लोग, गौतम कुमार लिखा थर्ड पेज। अब कर्सर को पीछे यहाँ पे रखा है मैंने टेक्स्ट के ठीक यहाँ पीछे, इंटर दबा दिया, नीचे कर्सर आ चुका है। अब मैं चौथा पेज लूँगा, ब्रेक करूँगा पेज, तो उसमें भी देखिए गौतम कुमार आ जाएगा। यहाँ पर सिंपल इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ पर यहाँ पेजेस में गया, यहाँ पेज ब्रेक पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए मेरा ये चौथा पेज में देखिए गौतम कुमार हेडर दिख रहा है। ये देखिए तीसरा वाला पेज देख सकते हैं, ये देखिए सी बाई बाई सी यू जो लिखा था, और ठीक नीचे स्क्रोल करते कर दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे गौतम कुमार हेडर आया हुआ है। तो जितना बार ब्रेक कर रहा हूँ देखिए ऑटोमेटिकली देख सकते हैं हर पेज में हेडर मेरा आ जा रहा है। देखिए पेज 4 of 4 ये देख सकते हैं। तो इस तरह हम लोग पेज में हेडर देते हैं, साथ में इसके साथ साथ हम लोग पेज को ब्रेक भी करते हैं। तो आई होप जिन्होंने कमेंट किया था आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम लोग हेडर के साथ पेज को कैसे ब्रेक करते हैं। और भी कुछ जानना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।